श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश 11वां अध्याय सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। पिछले अध्याय में हमने द्वादश सूर्यों के नाम एवं अधिकारियों का वर्णन इसके विषय में सुना। अब आगे सुनते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, भगवान आपने जो कहा कि सूर्यमंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण होते हैं सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति से प्रभावित गंधर्व सर्प राक्षस ऋषि वालखिल्यादि अप्सरा तथा यक्षों के तो पृथक पृथक व्यापार बतलाए, किंतु हे मुने यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत ग्रीष्म और वर्षा के कारण वर्षा करने वाले हैं तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है, और यह कैसे कहा जाता है कि सूर्य वृष्टि सूर्य से होती है। यदि सातों गणों का यह वृष्टि आदि कार्य समान ही है तो सूर्य उदय हुआ, अब मध्य में है, अब अस्त होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी ने कहा, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य सात गणों में से ही एक हैं, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्तिमयी ऋक यजो साम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रयी ही सूर्य को ताप प्रदान करती है और संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे ऋक युज और सामरूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो जो सूर्य होता है उसी उसी में वह वेद त्रयी रूपणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्वाहन में ऋक, मध्याहन में वृहद थंतरादि युजु तथा सायकाल में समश्रुतियाँ सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ऋक युज साम स्वरूपिणी वेद त्रयी भगवान विष्णु का ही अंग हैं। यह विष्णु शक्ति सर्वदा आदित्य में रहती हैं। यह त्रमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री हो सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी त्रयमय ही हैं। सर्ग के आदि में ब्रह्मा षडमय हैं, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर्मय हैं तथा अनंत काल में रुद्र साममय हैं। इसीलिए सामगान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार यह वह त्रयमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्तगणों में स्थित आदित्य में ही अवस्थित होती है। इससे अधिष्ठित सूर्यदेव भी अपनी प्रखर रश्मियों से अत्यंत प्रज्वलित होकर सूर्य के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्यदेव की मुनिगण स्तुति करते हैं। गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं। अप्सराएं नृत्य करती हुई चलती हैं। राक्षस रथ के पीछे रहते हैं। सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा वालखिल्ले आदि रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। त्रयी शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त। ये सात प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है उसी को अपनी छाया दिखाई देने लगती है। हे द्विज, इसी प्रकार यह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पृथक पृथक सूर्य के उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितृगण देवगण और मनुष्य आदि को सदा तृप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है उससे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृतमय चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर दो कला युक्त चंद्रमा विष्णु का पितृगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितृगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से
पृथ्वी से जितना जल खींचता है उस सबको प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए वर्षा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव, मनुष्य और पितृगण आदि सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्री, इस रीत से सूर्यदेव देवताओं की पाचिक, पितृगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। श्री विष्णु पुराण दूसरा अंश 11वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।